सागर के सुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की आरोपी मृतक की भाभी और उसका प्रेमी निकला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हीरापुर में 7-8 अगस्त की रात मृतक कंछेदी पुत्र तखत सिंह लोधी उम्र 30 साल का लहू लुहानसम उसके ही घर में मिला था। मृतक के गला रेत कर हत्या की गई थी। वारदात के समय मृतक कंछेदी घर में अकेला था। मामले में सुर्खी थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर वह मृतक की भाभी राजकुमारी उर्फ सौम्या लोधी को हिरासत में लिया गया था। थाने लाकर पूछताछ की तो पहले उसने गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि अपने प्रेमी रमेश पुत्र गोवर्धन अहिरवार उम्र 27 साल निवासी धर्मश्री सागर के साथ मिलकर देवर कंछेदी की हत्या की थी। नाम सामने आते ही पुलिस ने आरोपी रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक देवर कंछेदी लोधी और आरोपी उसकी भाभी राजकुमारी लोधी के बीच अवैध संबंध थे। कंछेदी ने उसे जीवन भर साथ रखने की बात कही थी, लेकिन कुछ समय पहले कंछेदी ने शादी कर ली और भाभी राजकुमारी से संबंध तोड़ लिए। वह भाभी से ना तो मिलता था और ना ही कोई संबंध रखता था, जिसको लेकर आरोपी भाभी राजकुमारी परेशान थी। गुस्से में आकर उसने कंछेदी से बदला लेने के लिए करीब 6 माह पहले घर छोड़ दिया था। वह घर छोड़कर सागर चली गई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने लगी। यहीं उसकी पहचान आरोपी रमेश अहिरवार से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। इसी बीच आरोपी राजकुमारी ने अपने प्रेमी रमेश को कंछेदी से बदला लेने की बात कही, जिसके बाद से दोनों देवर कंछेदी की हत्या करने का मौका तलाश रहे थे। इनका अवैध संबंध थे तो कंछेदी द्वारा इनको ये बोलकर लाया गया, मृतक कंछेदी द्वारा बोलकर लाया गया था कि ये जिंदगी भर इनको साथ में रखेंगे और इनको अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे, परंतु मृतक द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी। जब से शादी हुई थी तब से ये उस चीज से बहुत नाराज थी और घर छोड़कर चली गई थी। अपने धारदार हथियार से घर में घुसकर कंछेदी की हत्या कर दी।